सो गाइस आईपीएल 2020 का 34वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। और गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, और एट द एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी टीम रहने वाली है जो कि शारजाह के मैदान पर ये मुकाबला जीतने वाली है। सो गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है। और गाइस एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि ये भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर ना आए, क्योंकि गाइस के पिछले मुकाबले में इनका जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था, और गाइस इस वजह से लग रहा है कि ये मुकाबला ये मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात होने वाली है एमएस धोनी के टीम की। हाँ गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर कैसी रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। सो गाइस इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं फाफ डुप्लेसी और सैम करन, मिडल ऑर्डर में आने वाले हैं शेन वाटसन, नंबर 3 राजू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो। बॉलर्स की बात कर ले पीयूष चावला, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और करण शर्मा। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस सीएसके की टीम को मोमेंटम मिल चुका है पिछला मुकाबला जीतने के बाद, तो चेन्नई जाहिर सी बात है इस मुकाबले में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल्स भले ही इतनी अच्छी टीम है लेकिन लगातार मुकाबले जीत रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर चिंता के काफी ज्यादा बादल भी आ उमड़े हैं। सो गाइस फाइनली बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग करने वाले हैं शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, मिडल ऑर्डर में आने वाले हैं रहाणे, हनुमा विहारी, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी और अक्षर पटेल। बॉलर्स की बात करने तक किशोर रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, एनरिक नौरखिया और तुषार देश पांडे। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस दिल्ली भी इस मुकाबले के लिए 2-3 चेंजेस करती हुई नजर आ सकती है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 की। अब हम लोग बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सो गाइस ये जो मुकाबला खेला जाना है वो शारजाह के मैदान पे खेला जाना है, और शारजाह का मैदान काफी ज्यादा छोटा रहता है, काफी ज्यादा चौके छक्के वहां लगते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को सबसे पहले सेट होना पड़ेगा। ये नहीं मैटर करता कि आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी वो शारजाह के मैदान पे जीतेगी। सो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं अब हेड टू हेड की। तो दोनों टीमों ने मिला के अभी तक आमने सामने 23 बार आए हैं, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने 15 मुकाबला जीता है, तो वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 बार बाजी मारने में काबिल रही है। सो गाइस अगर हम ये हेड टू हेड की तो ये पोजीशन है, लेकिन जब ये दोनों टीमें जब भिड़ी थी पिछली दफा, जब 25 सितंबर को जब टीमें भिड़ी थी, तो वहां पे दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई को हराने में कामयाब रही थी, और इसलिए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को सतर्क रहने की जरूरत है। सो गाइस ये तो बात हो गई हेड टू हेड की। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं विन प्रोजेक्शन की। हाँ गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर मेरा कौन सा तर्क रहने वाला है, किस टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें, श्रेयस अय्यर काफी बड़े एक्स फैक्टर खिलाड़ी थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर अकेले दम पे ही नहीं बट पूरी टीम इनका सपोर्ट करती थी, लेकिन श्रेयस अय्यर काफी अच्छा माइंड चलाते थे कप्तानी के तौर पे। लेकिन गाइस यहाँ पे श्रेयस अय्यर का इस तरीके से बाहर जाना दिल्ली के लिए झटका हो सकता है। वही चेन्नई की हम बात करें तो चेन्नई को मोमेंटम मिल चुका है, और चेन्नई ऐसा हो सकता है कि ये मुकाबला हमें जीतती हुई नजर आ सकती है। और गाइस इसलिए मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मुकाबले में, उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। हो गए फाइनली आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है ये मुकाबला। दोस्तों आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो बंद करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।